सरिया छतरबार IFC गोदाम से निकलने वाले राशन से भरा ट्रक गोदाम न जाकर सीधे मंडियों में चला जा रहा। सूत्रों की माने तो इस खेल के पीछे आशीष मंडल, रामजी पांडे, अंगद पांडे का सिंडिकेट काम करता है, जो प्रतिदिन गरीबों का खदान अवैध रूप से राइस मिल एंड फ्लावर मिल राजगंज एवं बरवड्डा में सप्लाई कर रहा है। इनके अलावे जिले के जन वितरण प्रणाली के सभी आला अधिकारी संलिप्त है। हरिहरपुर थाना को पुख्ता सबूत के साथ अवैध तस्करी का यह ट्रक ग्रामीणों के बीच ही सुपुर्द किया गया। इसके बावजूद शाम को वॉन्ड भरवाकर मामूली खानापूर्ति के साथ करोड़ों रुपए के इस अवैध कारोबार पर, या फिर यूं कहे कि सिंडिकेट के आगे हरिहरपुर पुलिस नतमस्तक होकर गेहूं से भरे ट्रक को छोड़ना बहुत सारी प्रश्न छोड़कर चली आई। पुलिस की इस कार्य से जनता का विश्वास धूमिल हुई है और अब लोग पुलिस पर विश्वास करना छोड़ दिए हैं। जिस गेहूं भरे ट्रक को छोड़ दिया गया, उस ट्रक में सरिया IFC गोदाम का गेहूं लोड था और इसको डुमरी IFC गोदाम में अनलोड होना था, लेकिन सिस्टम को ताक में रखकर गरीबों का यह खदान राजगंज फ्लावर मिल और बरवाड़ा फ्लावर मिल में अवैध रूप से सप्लाई किया जा रहा था। इस तरह की यह पहली घटना नहीं, इस तरह की ट्रक कई बार राजगंज में अनलोड भी हुआ, जिसकी जानकारी स्वयं ट्रक चालक ने दिया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ट्रक में लोड गेहूं की बोरी में IFC मार्क लगा हुआ है, जिसे साफ साफ देखा जा सकता है। ट्रक ड्राइवर खुद स्वीकार कर रहा है, सरिया छतरबार IFC गोदाम से यह 400 बोरी गेहूं बरवाड़ा जा रहा था, जबकि चालान डुमरी IFC गोदाम का था, जिसे ग्रामीणों के द्वारा पकड़कर हरिहरपुर थाना को सुपुर्द किया गया। यह ट्रक को हरिहरपुर थाना के द्वारा छोड़ दिया जाता है। उन्हें प्रभारी योगेश महतो से टेलीफोनिक पूछने पर बताया कि मैं कल से थाना पर नहीं हूँ, मैं आज पहुँचकर छानबीन कर आपको बताऊंगा कि क्यों और कैसे उक्त ट्रक को छोड़ा गया है। बोलिए। सरिया IFC गोदाम से लगातार खदान की कालाबाजारी की सूचना मुझे हमारे मित्र भाजपा नेता एवं सरिया प्रमुख प्रतिनिधि श्री रंजीत मंडल के माध्यम से लगातार मिल रही थी। इसके सूचना पर, रंजीत जी के सूचना पर, आज हम लोगों ने निमिया घाट से इस गाड़ी में जो अवैध चावल और गेहूं लोड है, वो सरिया IFC गोदाम से इसका चालान बना हुआ है और यह डुमरी IFC गोदाम में उतरने वाला था, लेकिन यह डुमरी IFC गोदाम में ना उतरकर डायरेक्ट राजगंज मिल में कालाबाजारी के लिए जा रहा था, जिसको हम लोगों ने रेकी करके सतकीरा के सामने, दून पब्लिक स्कूल के सामने, ये 400 बोरा अवैध गरीबों का खाद्यान्न जो कालाबाजारी के लिए जा रहा था, वो सरिया प्रमुख प्रतिनिधि रंजीत मंडल के सूचना पर हम लोगों ने सतकीरा के सामने पकड़ लिया और वरीय अधिकारियों को आगे की कार्रवाई के लिए हम लोगों ने सूचना दिया है। थाना को भी हम लोगों ने शिकायत दर्ज करवाया है, कंप्लेन किया है कि इस गाड़ी में अवैध खदान लोड है। ये गाड़ी कहाँ से निकला है? गोदाम से। कहाँ का गोदाम से? छतरबाग गोदाम से। सरिया छतरबाग के गोदाम से निकला है? हाँ। रामजी पांडे का गोदाम? हाँ, से। हाँ। क्या लोड है इसमें? गेहूँ। कहाँ ले जा रहे थे? ले जा रहे थे बरवड्डा ले जा रहे थे। गेहूँ लोड है इसमें? हाँ, राजगंज। राजगंज। कितना टन लोड है? 22 टन। 22 टन। कैसो बोरा? 420। गाड़ी किसका है मालिक? आशीष मंडल। सरिया उसी का गाड़ी है। तो बरवड्डा धनबाद ले जा रहे थे चावल मिल में? हाँ। चावल मिल में देने के लिए जा रहे थे ना? हाँ। कितना बोरा बताए? 420 बोरा लोड है ना? आपका क्या नाम है? मेरा नाम है कैलाश महतो। कैलाश महतो, गाड़ी के ड्राइवर हैं आप? हाँ। वो जहाँ मिल जा रहा था, वो मिल का क्या नाम है? मिल का नाम है शायद गोविंदा ने ऐसे करके है। गोविंदा मिल है ना?